अच्छा, अब एक सवाल यहां पर होता है और ये बड़े शब्दों मत से बात फैलाई जाती है कि खोमोस का जो निस्फ हिस्सा सादात से मखसूस होना, क्या ये तबकाती निजाम नहीं? क्या ये रेसिज्म नहीं? क्या ये नस्ल परस्ती नहीं? और माजल्ला, एक साहब ने तो यहां तक अपनी किताब में लिखा है जिसको लोग पढ़ते हैं और फिर बाकायदा सर धुनते हैं कि गोया एक लिहाज से रॉयल फैमिली का एक हिस्सा करार दिया गया है माजल्ला। तो ये जो प्रिविलेजेस जो रसूल अल्लाह के अकरबा को दिए गए, वो कहते हैं कि ऐसे अकरबा परवरी नहीं हो रही? क्या ये इस्लाम के इज्तिमाई अदालती निजाम के नजरिए के से मुतसादिम नहीं? ये जो आधा हिस्सा आप दे देते हैं इनको, तो आप देखिए उलमा हमारे बात बयान करते हैं कि ये जो सहमे सादात हम देते हैं कि हर सैयद का भी हक नहीं, शर्तें होनी चाहिए उसमें। मसलन गरीब होना चाहिए, फकीर शरई होना चाहिए, गनी को नहीं दे सकते। एक साहब हैं कि जिनको बहुत सारी चीजें को कश्फ करने का जुनून जो है वो सवार हुआ हुआ, तो वो फरमाते हैं, वो चार पांच सफे जो उन्होंने उसमें लिखे हैं कि ये सादात का हक, जितना भी चाहे उनको, ये चाहे कितने गनी क्यों ना हो जाए, उनको बस आप देते चले जाइए, तो फिर वो अकराबा परवरी वाला इल्जाम उस तरह से लग सकता। लेकिन इस्लाम ने शर्तें रखी, हर सैयद को नहीं दिया जाएगा, उसके लिए बाकायदा अलग से अहादीस आई। एक तो गरीब होना चाहिए, साल की जो जितनी भी उसकी जरूरियात हैं उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, साल के खराजात से ज्यादा, मसलन एक साल की हद तक फकत दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उर्फी और शरई जरूरतों के लिए खोमस दिया जाएगा, लग्जरीज के लिए नहीं दिया जाएगा। मसलन घर में गाड़ी खड़ी हुई, वो कहेगा लेकिन मुझे तो रोल्स रॉयस लेनी, ये नहीं चलेगा। बेनमाजी को नहीं दिया जाएगा, फासिक को फाजी जो खुल्लम खुल्ला जो गुनाह करता है उसको नहीं दिया जाएगा। अगर औरत का पर्दा और हिजाब सही नहीं है, वो बेपर्दा है, उसको नहीं दिया जाएगा। मर्द मसलन अगर दाढ़ी मूंड रहा है, उसको नहीं दिया जाएगा। और ये भी यकीन होना चाहिए कि इस पैसे को माले हराम में खर्च नहीं करेगा, और आपका वाजिबुन नफका भी उसको नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हमने खोमस निकाला और अपनी मसलन जौजा को दे दिया कि भाई ये सैदानी है और हमने इसको दे दिया, नहीं ये नहीं चलेगा। अपने वाजिब और नफका को भी नहीं दे सकते, इसके लिए सबके लिए अलग अलग दलीलें। तो आप खुद बताइए माजल्ला के किसी रॉयल फैमिली के लिए इतनी शरायत कभी होती? अकरबा परवरी ये कब, अकरबा परवरी में सारी चीजें कब देखी जाती? नस्ल परस्ती और तबकाती निजाम में तो बिला तफरीक दिया जाता है, बल्कि अमीरों ही को नवाजा जाता है। लेकिन इस्लाम ने इतनी सारी शर्तें लगाई, तो इन तमाम चीजों से देखिए, वो जो खुद इमाम ने कहा कि सदका जो है वो, यानी जो ज़कात है वो लेना हराम है, और खुमस को हमारे लिए करार दिया गया। तो जो सैयद हैं वो ज़कात नहीं लेते हैं, वो खुमस लेते हैं। गैर सादात जो हैं उनको खुमस लेने का हक नहीं है, वो ज़कात लेते हैं। किसी को खुमस से नवाजा गया है, किसी को जो है ज़कात से, तो हर एक को अपना पूरा भरपूर जो है हक दिया गया है। ज़कात का जो, देखिए ज़कात का ताल्लुक जो है वो आम मुसलमानों के अमवाल से, जिससे सादात के अलावा जो है ना वो सब लोग फैजियाब इससे होते हैं, और सादात को लेकिन इससे दूर रखा गया। और दूर रखने की एक वजह ये थी ताकि मुखालिफीन को ये बहाना ना मिले कि पैगंबर ने अपने रिश्तेदारों को खुमस के साथ साथ हमारे जो आम अमवाल जो हमारे हमारा हक थे उन पर भी काबिज बना दिए, तो पैगंबर ने इनसे सादात को दूर रखा। अब जाहिर है कि गरीब सादात की भी जरूरत कहीं ना कहीं से तो पूरा होना थी ना, जकात तो उन पर हराम करार दे दी गई थी, लिहाजा उसको खोमोस के जरिए से पूरा किया गया। फिर एक साहब ने यहां तक लिखा कि सादात कराम के लिए इतना अजीम बजट क्यों रख दिया गया भाई? क्योंकि वो कहते हैं अगर सारी दुनिया के लोग मसला अपना खोमोस निकाल दें तो सारे सादात एक ही दिन में अरबपति हो जाएंगे, हर हर सैयद अरबपति हो जाएगा। जब सब गनी हो जाएंगे फिर खोमोस किसके पास जाएगा? अव्वल तो ये ख्याली किस्म के मसले हैं, कयासी मसले हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है ना कभी होता नजर आता है। लेकिन चले तो देखिए, इसके भी अहकाम कि अगर खोमोस सादात की जरूरतों से जायद बच जाए तो उसे हाकिम शरा, उस जो सरप्लस पैसा हो गया है, उसे अमूमी कामों में लोगों की जरूरत में खर्च करेगा। इसके अलग दलाइल, यानी ये नहीं है कि हम उसको अरबपति कर दें उन तमाम उनको, नहीं, एक साल की जरूरत से ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन उसके बावजूद भी सरप्लस अगर सहमे सादात जमा हो जाए तो उसको लोगों की जरूरियात में जो है खर्च किया जाएगा। ठीक है, उसे लोगों की जरूरियात में खर्च किया जाएगा, जितना भी खुमस आए,
यानी बिला इम्तियाज, ख्वाह वो फकीर हो या गनी। लोग ये कहते हैं कि भाई वो ख्वाह फकीर हो या गनी, फासिक हो या फाजिर, बेनमाजी हो, साल भर के खराजात, इसको तमाम लोगों के ऊपर जो है यानी पूरे का पूरा जो है सादात को दे दो, इनमें कोई भी शर्त नहीं, चाहे वो अरबपति क्यों ना हो जाए, नहीं ऐसा मसला इस हमारे फिका में नहीं। और खुद देखिए ये सब चीजें रसूलुल्लाह के जमाने से ये सिस्टम बिल्कुल सही सही चलता रहा। बाद के लोगों ने इसके अंदर बहुत सारे इनहराफात कर दी, हुक्म खुमुस में लोगों की तरफ से तब्दीलियां की गई कि सबसे पहले तो खुमुस को सिर्फ जंग के माले गनीमत तक महदूद कर दिया गया, इसकी भी कुछ वजूहत हैं लेकिन जो अभी टाइम नहीं। दूसरी तब्दीली ये की गई कि अल्लाह के सहम को खत्म कर दिया गया, क्या उसको जरूरत नहीं। तीसरी, रसूल अल्लाह के हिस्से को भी रसूल अल्लाह की वफात के बाद खत्म कर दिया गया। चौथी तब्दीली ये की गई कि ज़िल क़ुरबा, इसकी तो अलग से भी उन्होंने कहा कि हाकिम जो वक्त है उसके रिश्तेदार इससे मुराद हैं, लेकिन फिर भी अगर जो हकीकी उनके वरसा भी थे रसूल के यानी इमाम, उन रसूल अल्लाह के इंतकाल के बाद उनको भी उनका हिस्सा नहीं दिया गया। और आखिरी चीज होगी कि जो हुक्काम जौर थे, जालिम हाकिम थे, पूरे का पूरा खमोश उनके अख्तियार में दे दिया गया। तो रसूल अल्लाह के जमाने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से इस तमाम चीजों के अंदर एक वो तब्दीली वाकई हुई और उसके बाद फिर इसके अंदर इन्हराफात आते चले गए। शुरू में कोई इख्तलाफ नहीं था, बाद में भी जितने भी आपको इख्तलाफ जो उलमा के अकवाल के अंदर खमोश के सिलसिले में नजर आते हैं, तकसीम खमोश के इख्तलाफ, लेकिन असलन वजूब खमोश के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं।